में नयनतारा को कम स्क्रीन टाइम मिलने का शाहरुख खान को हुआ दुख, बोले दुर्भाग्य से। देखिए ये पूरी रिपोर्ट हमारे वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार बन रही है। इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है। जवान में शाहरुख खान के साथ लीड रोल में साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस नयनतारा नजर आई, तो वहीं कैमियो में दीपिका पादुकोण है। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद से ही दीपिका और नयनतारा के रोल पर विवाद चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि लीड एक्ट्रेस होने के बाद भी नयनतारा के स्क्रीन टाइम को कम किया गया और इस बात से अभिनेत्री खुद भी नाराज है। इतना ही नहीं, फिल्म में नयनतारा के सिंगल मॉम वाले ट्रैक को भी ठीक से नहीं दिखाया गया। इस पर अब शाहरुख खान ने रिएक्ट किया है। जवान फिल्म में हिट होने के बाद शाहरुख खान लगातार अपने फैंस से किसी ना किसी तरीके से जोड़ रहे हैं। बीती रात उन्होंने ट्विटर पर #AskSRK शेयर किया। इस दौरान फैंस ने अपने किंग खान से ढेर सारे सवाल किए। इसी बीच एक यूजर ने नयनतारा की कम स्क्रीन टाइमिंग का मुद्दा भी उठा दिया, जिसका जवाब शाहरुख खान ने दिया। एक यूजर ने लिखा, मुझे सूजी के साथ आजाद का रिश्ता बहुत पसंद आया। सिंगल मॉम की कहानी इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई थी और वास्तव में ताजा थी। जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए धन्यवाद। इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया, मुझे भी लगा कि एक सिंगल मॉम के रूप में नर्मदा की कहानी अशुद्ध थी। दुर्भाग्य से चीजों की योजना में अधिक स्क्रीन समय नहीं मिल सकी। दावा किया जा रहा है कि नयनतारा फिल्म के निर्देशक एटली के काफी ज्यादा नाराज है नयनतारा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नयनतारा का मानना है कि उनके मुताबिक फिल्म में दीपिका पादुकोण के रोल को ज़्यादा अहमियत मिली है। दीपिका का रोल कैमियो की तरह अनाउंस किया गया था, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद वो रोल किसी भी एंगल से कैमियो नहीं लग रहा था। दावा यह भी है कि इसी वजह से नयनतारा जवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूर रही। हालांकि यह भी बता दें कि नयनतारा नो प्रमोशन पॉलिसी में विश्वास रखती है। खैर ये सब छोड़िए, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।